आप आज शेयर करेंगे केवल धरती आनंदित नहीं, देवलोक भी आनंदित है कि ब्रह्म आ गए। देवता लोगों ने कितनी सुंदर प्रार्थना की, जेहि श्रेष्ठ उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दो क्या सो करो अघारी चिंत हमारी जानिय भगत न पूजा। देवता लोग भी यही प्रार्थना करते, हम कुछ नहीं जानते, सृष्टि आपने बनाई है, ये रचना आपकी है, इसलिए हे पाप शत्रु इस धरती के पाप को नष्ट करिए। इसलिए भगवान जब प्रत्यक्ष हुए तो शिशु रूप में नहीं आए, रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न बदनम, ये भगवान का सत्य स्वरूप है। आए अब मां से भगवान ने पूछा था तब कि मां हम लीला कहां से प्रारंभ करें, तब मां ने कहा था कि जय शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुभवा सुने बचन सुजाना रोदन धारा होई बालक सुर भगवान मां की सुनकर बालक बन गए महाराज के। अब बालक बनकर भगवान पूछते हैं, मां ठीक है अब क्या करूं, तो मां ने कहा शिशु लीला करिए, कहां से शुरू करूं, आ तो रोने से, सुनी बचन सुजाना रोदन पूरी राम कथा में आप सुनेंगे मेरे भगवान को रोना नहीं आता। आप में से कई लोग होते होंगे जिनको रोना नहीं आता, कई लोगों को रोने का अभ्यास हो जाता रहता है, कुछ भी कह दो अरे न सांसू न आंसू, घंटों का प्रोजेक्ट है, अरे भाई चुप रहिए, अरे कमाल है सबके बस का ये खेला नहीं है। देखिए ना पंक्ति देखिए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान बोले कहाँ चुपे न होए, ऐसा नहीं बच्चे जैसे भगवान रो रहे हैं, क्योंकि रोने का आदत तो है नहीं, लेकिन लीला स्वरूप सरकार रखिए। तब माताएं समझ गईं कि अब लाला प्रत्यक्ष हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जानते हैं भगवान भक्तों के लिए भी नहीं रोते, अपने प्रति तो कुछ होता है तो रोते हैं ही नहीं वो भगवान। अच्छा जो जानेगा वो क्यों रोएगा, भगवान तो सब जानते हैं।
कि दंडकारण्य में भगवान रो रहे हैं। कवितावली रामायण में लिखा है, जो ऋषि मुनि लोग बड़े प्रसन्न थे, उनकी प्रसन्नता अब समाप्त हो जाए इसलिए उनको प्रदर्शन करने के लिए भगवान रो रहे हैं। बिंद के उदासीन महात्माओं को बोध प्रदान करने के लिए, देवर्षि नारद जी को बोध प्रदान करने के लिए भगवान ने लीला प्रारंभ की। रोने लगे सरकार।